जानिए क्यों हैं भाई दूज रक्षाबंधन से अलग। क्या बहनें भी करती हैं भाई की रक्षा? क्या बहनें भी बचाती हैं भाई को यमराज के डर से? क्यों रक्षाबंधन से अलग है भैया दूज का ये महापर्व? क्यों भाई और बहन के प्यार का अनोखा पर्व है भैया दूज? दोस्तों, द कर्मा चैनल पर आपका स्वागत है। अक्सर हम राखी के मौके पर ये देखते हैं कि बहनें भाई को राखी बांधती हैं, तो भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सनातन हिंदू धर्म में स्त्रियों को शक्ति का अवतार बताया गया है। जब कोई भी देवता महिषासुर का वध नहीं कर पाया था, तो एक स्त्री देवी माँ दुर्गा ने देवताओं की रक्षा की थी और महिषासुर का वध किया था। इसलिए सनातन धर्म में स्त्रियों को सबसे ज्यादा शक्तिशाली कहा गया है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों भैया दूज को ऐसा पर्व हम बता रहे हैं जो रक्षाबंधन के पर्व से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये बहनों के द्वारा मनाया जाने वाला ऐसा पर्व है जो भाइयों को यमराज के मृत्युपाश से मुक्त कराता है। दोस्तों, भैया दूज के बारे में पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन भक्त यमराज को प्रसन्न करने के लिए यमराज देवता की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और भक्तों को यम का भय भी नहीं सताता। स्कंद पुराण में दी गई कथा के अनुसार भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा की दो संतान थी, जिनमें बेटा यमराज और बेटी यमुना थी। यम पापियों को दंड देते थे और यमुना मन की निर्मल थी, और उन्हें लोगों को परेशानी में देखकर दुख होता था, इसलिए वो गोलोक में रहा करती थी। लेकिन फिर भी अलग अलग रहने के बाद यम और यमुना दोनों भाई बहन में बहुत स्नेह था। एक दिन बहन यमुना ने भाई यमराज को गोलोक में भोजन के लिए बुलाया, लेकिन अपने काम की व्यस्तता के चलते यम अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाए। अब यमराज को यमुना के घर जाने में थोड़ा संकोच होने लगा, क्योंकि वो लोगों के प्राणों को हरते हैं, ऐसे में कौन उन्हें अपने घर बुलाएगा। बार बार बुलाने पर भी जब यम अपनी बहन के घर नहीं गए, तो उनकी बहन यमुना अपने भैया से नाराज हो गई। और एक दिन यमुना ने यमराज से वादा करने को कहा कि भैया, आपको कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया की तिथि को मेरे घर में आना ही पड़ेगा। अब ऐसे में यम दोबारा सोच में डूब गए कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे क्यों यमुना बहन अपने घर बार बार बुला रही हैं। लेकिन यम के मन में एक सवाल ये भी आया कि बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है, उसका पालन करना भी मेरा कर्तव्य है। ऐसे में यमराज ने बहन के घर जाने से पहले नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया, जिसके बाद ही यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए। यमुना को भरोसा नहीं था कि उनके भैया यम उनके घर कभी आएंगे या नहीं। ऐसे में जब यमराज अपनी बहन के घर गए, तो यमराज को घर आया देखकर बहन यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यमुना ने यमराज का स्वागत किया और उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन परोस कर भोजन कराया। यमुना के द्वारा की गई मेहमान नवाजी से यमराज खूब प्रसन्न हुए और अपनी बहन यमुना से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में यमुना ने अपने भाई यम से कहा, हे भद्र, आप हर साल इसी तरह मेरे घर आया करें। आगे यमुना ने कहा कि जो बहन इस दिन अपने भाई का आदर सत्कार करेगी और तिलक लगाएगी, उसे यमराज का भय नहीं रहेगा। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई का टीका करेगी, उसे कभी भी किसी का डर नहीं सताएगा। बहन यमुना के द्वारा मांगा गया वरदान सुनकर यमराज ने तथास्तु कहा और यमुना को वस्त्र और आभूषण दिए, जिसके बाद वो यमलोक की ओर चल पड़े। तभी से भाई दूज का ये पर्व मनाया जाने लगा। इसलिए ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के दिन यमराज और यमुना का पूजन करना आवश्यक है। बहनें इस दिन अपने भाई के लिए पूजा करती हैं, जिसकी वजह से भाइयों को यमराज का भय नहीं रहता और वो लंबी उम्र तक जीते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।